स्वागतम हरिनादतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरिनादतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरिनादतम कृष्णा यजमान परिवार पूजन करे भगवान का और इधर कथा पहुंचा दूं वहां भगवान को लेकर वसुदेव जी यहां आए योग माया को लेकर के वसुदेव जी जेल में वापस आए फिर से हथकेड़ियां बड़ियां सब लग गई योग माया को भी माता यशोदा ने दूध पिलाया क्या सौभाग्य है मैया का जगत जननी जगदम्बा को भी पराम्बा भगवती विंध्यवासिनी को दूध पिलाने का सौभाग्य दूध पीते ही जगदम्बा रोने लगी रोने की आवाज सुनते कंस दौड़ा इंतजार तो था कंस ने सबको सावधान कर दिया था सारे सेवक दौड़े और द्वार कर गए लाओ बहना लाओ देवकी कहती भैया ये तो छोरी है ये तो बेटी है पुत्री है ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी इसे छोड़ दो इसे माफ करो लेकिन कंस को समझ में नहीं आया उसने नहीं छोड़ा कहा कि मैं छोड़ नहीं सकता परिणाम क्या हुआ उसने उठाया और उस योग माया को पत्थर पर पटकने के लिए जो आकाश में फेंका वो तो आकाश में ही चली गई और हाहाकार करते हुए कहने लगी अरे कंस तुम्हें तुम्हारा काल तो प्रकट थया और सुरक्षित स्थान में चला गया वो तो ब्रजमंडल में सुरक्षित है और कह करके योग माया चली गई विंध्याचल में और कंस तो बड़ा पछताया देव की वसुदेव को छोड़ दिया माफी मांगा बहन मुझे माफ कर दे बहन तो बहन होती है भाई के 100 अपराध को भी एक क्षण में क्षमा कर देती है ये शक्ति तो माताओं में ही है बहन ने माफ कर दिया आज भाई लोग ऐसे हैं एक गलती बहन से हो जाए तो वह जिंदगी भर उसको दिमाग में बैठाए रखता है माफ नहीं करता लेकिन बहन क्या बात है 100 गलतियां क्यों हो जाए 1000 गलतियां क्यों हो जाए एक बार कह कि बहन मैंने माफ करी दो ना खत्म हो गया साहब ये है बहन समझ आना चाहिए और माफ कर दिया मिलजुल कर रहने लगे सारी बात इधर अब गोकुल में उत्सव का समय है गोकुल में जैसे ही सवेरा होता है और कन्हैया ने रोने का काम शुरू किया यहाँ तो सुनंदा बुआ दौड़कर आती है वो देखती यशोदा तो अभी भी सो रही अरे यशोदा जगो दौड़कर नंदराय से जाकर कहती है भैया बधाई हो क्या हुआ बोले ऐसे नहीं पहले कुछ दो तो बताओ तुरंत अपने गले से हार निकाल कर लो गहना बताओ क्या बोले बधाई हो लाला हुआ है फिर क्या था नाचने लगे नंद बाबा पूरे समाज में खुशियां छा गई गोपियां सब मिलने के लिए आई है नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आज तो महामना बन गए नंदराय
महामना कौन होता है? जिसके जिसका मन महान हो गया, आज मन महान में मिलकर महान हो गया है। खूब आहुय विप्राण वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, स्नात सुचर अलंकृत सुसज्जित हुआ और 2,00,000 गायों को सजा कर दान में दिया है, भंडार खोल दिया आज लुटाने के लिए, और स्वस्ति वाचन क्रिया है, पूजन किया है भगवान का। और उसके बाद गोपियां सज धज कर आई है और बधाई दे रही है सबको। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ है आज, और सब सखियां यशोदा मैया को आती है, बधाई देती है और गाती है, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सही माता है।
जय कर रही हो हरी माता बन रही हो। आप लोग पीछे हो जाओ है, पीछे पूरे पंडाल में चले जाओ थोड़ा फैल करके, इतनी यहाँ भीड़ लगा देंगे तो भीड़ दिखेगा नहीं। घेरा बना लो, घेरा बना लो। और रितु शर्मा जी गरबा गरबा कर लो, गरबा गरबा आओ। अलका बहन भी एक गाएगी आज गरबा। कहाँ गए रितु शर्मा जी, कहाँ जाओ उधर जाओ। भोली बाबा हरे लाल ओ यशोदा तेरो ओ मैया तेरो अरे यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। हो यशोदा तेरो हो लाला तेरो यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। घूम करके लाला को बधाई देना है और सब तो सखियां आशीर्वाद देनी कन्हैया को। करिए क्या करिए, कन्हैया तेरो यशोदा तेरो हो लाला हो यशोदा तेरो जीवे जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जीवे जीवे लाल कन्हैया। सब नाचे गोरी बाल बाल सब नाचे गोरी बाल बाल सब नाचे गोरी बाल बाल सब नाचे धन धन यश
यशोदा मैया ओ हरे धन्य यशोदा मैया ओ हरे धन्य यशोदा मैया ओ यशोदा तेरो ओ यशोदा तेरो ओ यशोदा तेरो ओ यशोदा तेरो यशोदा तेरो जीवे लाल यशोदा तेरो जीवे लाल बाबा और माँ यशोदा के घर में त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है, तो नंदोत्सव मनाएंगे हम सब बधाई के साथ। वहां खुला जो पंडाल है वहां पे नाचना, सब झूम के नाच के।
करें। और देखिए बधाई कौन कौन बांट रहा है। कौन लुटावे माखन मिश्री, कौन लुटावे माखन मिश्री, कौन लुटावे रसगुल्ला मुहल्ला के हल्ला छोड़े, कौन लुटावे रसगुल्ला मुहल्ला के हल्ला छोड़े। आई जवाब देते हो बाबा लुटावे माखन मिश्री, बाबा लुटावे माखन मिश्री, मैया लुटावे रसगुल्ला मुहल्ला में हल्ला छोड़े, मैया लुटावे रसगुल्ला मुहल्ला में हल्ला छोड़े। कौन लुटावे सोना चांदी, कौन लुटावे सोना चांदी, कौन लुटावे छाप छल्ला मुहल्ला में हल्ला जो है गयो, कौन लुटावे छाप छल्ला मुहल्ला में हल्ला जो है गयो, हल्ला जो है गयो, हल्ला जो है गयो, हल्ला जो है गयो, हल्ला जो है। अल्लाह की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय, धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम्, तीर्थास्पदं शिव विरं चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुष ते चरणा भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपोए इनके पद वंदन के,
शैवे घ्न अने मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेद पुरुषाय नमः अस्मद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः परम आनंदमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान परम वीतराग परम तपस्वी अनंत श्री समलंकृत परम व्यक्त स्वामी श्री नर्मदानंद जी बाप जी महाराज मुख्य यजमान सहित समस्त सुधिजन अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत चरणानुरागिनी भक्तिमती माताओं एवं बहना भगवान की अत्यंत कृपा करुणा से हम सब साधकों को अपने बारे में जानने की इच्छा होती है, वरना हम तो सारा जीवन भूले ही रहते हैं। मात पिता बालकन बुलावही उद्र भरय सोई धर्म सिखावे। जैसे ही चलना शुरू किया, स्कूलों का किताबों का बोझ लेकर के रोज चलना फिरना होता रहा और 20 साल निकल गए उसमें पढ़ने में। पढ़ाई पूरी की तो नौकरी में, नौकरी के बाद विवाह और परिवार का बोझ। 50 साल निकलने के बाद समाज का, और समाज का सोचते सोचते आदमी बीमार होने लगता है। अपने बारे में कभी हम सोच ही नहीं पाते। भगवान की बड़ी कृपा है, जब साधक थोड़ा सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया, जाना कहां है, सबके पीछे कारण क्या है, आखिर मुझे क्रोध आता क्यों है, क्रोध के पीछे क्या कारण है, तो हम इन सब पहलुओं पर
विचार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं रहती है। और जब थोड़ा टाइम मिले तो सो जाते हैं। ऐसे करके ना जाने कितने जन्म हमारे चले गए। भगवान कहते हैं अर्जुन, बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणी न तम वेत्थ परंतप। बहुत सारे जन्म निकल गए और हम व्यर्थ का सोच दिमाग में पाले हुए हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। हर जगह दूसरों पर दोषारोपण करने में ही हमारा अधिकांश समय चला जाता है। एक आदमी था, वो तो ब्रह्मा जी को ही दोष देता था हमेशा। जब भी कोई प्रसंग आवे तुरंत ब्रह्मा जी को, देखो इन्होंने कैसे ऐसे बनाया, भगवान को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। वो कहता कि देखो ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, गन्ने का जो झाड़ है, वृक्ष है, गन्ने के पौधे में रस भर दिया, मिठास। अब जिसका पौधा इतना मीठा, उसमें यदि फल होता तो वो कितना मीठा होता, लेकिन ब्रह्मा जी को बुद्धि ने उसमें फल ही नहीं दिया। गन्ना समझते हो ना, क्या सिरड़ी, सिरड़ी सिगड़ी की सिरड़ी, शेरड़ी शेरड़ी, उसके पौधे में इतना रस दिया, मीठा फल होता तो कितना मीठा होता, जिसका पौधा इतना मीठा है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं थी, उसमें फल ही नहीं दिया। चंदन के वृक्ष में, डाल में इतनी खुशबू, सोचो जिस चंदन के वृक्ष में इतनी खुशबू सुगंध है, उसमें फूल होता तो कितना सुगंध होता, लेकिन ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, क्या करें, उसमें फूल ही नहीं दिया। हर बात में कुछ न कुछ नुक्स निकालता और भगवान को ही दोष दिखाता। सोना, सोना कितना सुंदर है ना, सोना सबको अच्छा लगता है कि नहीं है? किसको अच्छा नहीं लगता सोना, नहीं लगता। कौन सा सोना, दो तरह का सोना होता है, एक है तकिया लगाकर सोना और एक है कि वो पहनने वाला सोना। क्या बात है, तो आप महान हैं भाई, आपको दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम तो देखते कि दुनिया लड़ जाती है, मुझे सोना चाहिए भाई। अक्सर घर में, गृहस्थियों में जो अक्सर खटपट होती रहती है ना पति पत्नियों में, उसमें अधिकांश हिस्सा सोने का ही रहता है। पुरुष चद्दर तान के सोना चाहता है और महिलाएं मांग मांग के पहनना चाहती है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। समझ में आया, कनक मतलब होता है सोना और कनक मतलब होता है धतूरा। धतूरा होता है ना, जिसको मदार कहते हैं, मंदार पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं आप, धतूरा। मदार तो आंख हुआ, धतूरा धतूरा ही बोलते मेरे ख्याल से, लंबा लंबा फूल होता है उसको, धतूरा ही बोलते हैं। हाँ, तो धतूरा का जो फल होता है, यदि उसको कोई खा ले तो नशे में एकदम बावरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो इतना नशा होता उसमें। तो वो खा करके आदमी पागल होता है, और ये कनक ऐसा है जिसको पाकर आदमी पागल हो जाता है। तो वो, उनका कहना था कि सोना इतना सुंदर बनाया, देखने में इतना खूबसूरत है, लेकिन ब्रह्मा ने क्या इसमें थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, जो इतना सुंदर है थोड़ी सी उसमें सुगंध और दे देते तो जब सोने का हार गले में पहनते तो सुगंध से भरपूर हो जाता। सोने की का चैन पहनते हैं, गले में कंगन पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, यदि सब महकने लगता, सुगंध होती तो कितना अच्छा होता, सोचो।
अलग से परफ्यूम की आवश्यकता पड़ती? कोई परफ्यूम की आवश्यकता नहीं थी। जब भी इच्छा हो एक कुंडल और पहन लो, चलो खुशबूदार। अलग अलग क्वालिटी वाला पहन लेता, चमेली चाहिए तो ये वाला हार पहन लो, गुलाब चाहिए तो ये वाला आभूषण पहन लो, अंगूठी पहन लो, सब महक रहा है, जिधर छुओ उधर सुगंध ही सुगंध। लेकिन ब्रह्मा जी ने थोड़ी भी बुद्धि नहीं लगाई, उसमें सुगंध ही नहीं दिया, हर बात में नुक्स निकालता। एक बार बगीचे में घूम रहा था और बगीचे में उसने देखा कि देखो छोटे छोटे झाड़ होते हैं ना, छोटी छोटी लौकी को देखा, लौकी जो लता में, देखो क्या भगवान ने, लौकी को स्वयं खड़ा होने की ताकत नहीं है, लौकी की बेल को लता को, लेकिन फल इतना बड़ा बड़ा, इसका फल कितना बड़ा बड़ा। और उसने फिर क्या देखा, आम को देखा, आम इतना बड़ा वृक्ष, फल कितना बड़ा, इतना बड़ा। खजूर देखा, खजूर समझते हो कितना बड़ा, कितना ऊंचा, फल कितना बड़ा, छोटा सा। बिल्कुल मूर्ख है ब्रह्मा और कोई बुद्धि नहीं आती। यही विचार करता करता जब उसने आम के वृक्ष को देखा और उसके बारे में कहने लगा, फिर वहीं वो बैठ गया। बैठा तो उसको नींद आ गई, तो पैर फैला करके वो लेट गया, सो गया। थोड़ी हवा चली, आम का फल पका हुआ था, सो एक फल गिरा आम का और सीधे उसकी नाक पे गिरा, नाक से खून निकलने लगी। वह चिल्लाया, दौड़ा, डॉक्टर के यहाँ गया, थोड़ी दवाई ली और वो ठीक हो गया। जब उसको होश में आया, होश आया तब वो विचार करने लगा कि हम आम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और फल गिरा मेरी नाक पर, सो इतना खून तो गिरा लेकिन मैं बच तो गया। लेकिन वृक्ष के हिसाब से यदि फल होता, वृक्ष प्रमाणे यदि फल होता तो फल तो इतना बड़ा होता, और उतना बड़ा फल यदि मेरे माथे पे गिरता तब तो मेरी चटनी बन जाती और मैं आज दिखता भी नहीं। अब उनको एहसास होने लगा कि नहीं भाई, ब्रह्मा जी ने जो किया सो ठीक ही किया लगता है, कुछ सोच विचार के किया होगा। सोने में यदि सुगंध होती, खुशबू होती, तो क्या सोना लोग पहन पाते? जहां रखते छुपा करके, चोरों को पता चल जाता यहां सोना रखा है, साफ। यहां जितने लोग आए ना, रोज एक एक आदमी का सोना गठरी साफ हो जाती, क्योंकि सोना रख के आते हो आप बैग में, खुशबू जो पता चल जाता यहां सोना है। वैसे भी चोर से बचाना मुश्किल हो रहा है और सुगंध होती तो क्या होता। आजकल तो चोर भी डरने लगे क्योंकि माताओं बहुत चकमा दे रही है, असली की जगह नकली सोना पहन रही है। एक जगह तो मैं देखा, वीडियो में साफ दिखाई दिया, व्हाट्सएप पे आया था एक वीडियो, स्नेचर होता है ना, चैन स्नेचर, हाय बोले चिंता मत करो नकली है नकली। माई तो खुश थी, इतने मुंह चोर वापस आया और माई के मुंह पर फेंका, तुम्हारा ये नकली सोना पहनते हो, शर्म नहीं आती है, जा ओका के चला गया। तो चोर भी आजकल, चोरों को भी चकमा दिया जा रहा है। यदि असली होता तो सुगंध होती, सुगंध होती तो फिर क्या होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो किया सो अच्छा किया। चंदन के वृक्ष में यदि पुष्प होते तो चंदन वृक्ष जंगल में नहीं होता, फिर तो आदमी हर घर में अपना लगाता तो चंदन की महिमा ही नहीं रहती। गन्ने के पौधे में यदि फल भी होता तो गन्ना चूसने के लिए मिलता हम लोगों को, शिरडी चूस के खाने के लिए मिलता, उसका रस मिलता नहीं मिलता, क्योंकि फल के लिए उसको छोड़ दिया जाता। सबका आनंद ले सको इसीलिए ब्रह्मा ने ऐसा किया।
तो प्रकृति जो है भगवान ने, ये किसकी प्रकृति है? भगवान की। संसार भगवान का है, इसको बनाया भगवान ने, इसको चलाता कौन है? भगवान। और आगे भी कौन चलाएगा? भगवान। तो व्यर्थ में हम चिंता क्यों करें? अच्छा तो ये होगा कि हम उन्हीं का चिंतन करें जो हमारा, हमें चला रहा है, हम उनका चिंतन कर लें, थोड़ा विचार कर लें उन तत्व पर, वो तत्व क्या है। नंद को, नंद राय को बड़ा आनंद आया, नंदस्तुज आत्मज उत्पन्ने, जाता लादो महामना, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत। खूब उत्सव बनाया, हर्षोल्लास, क्योंकि जो परमानंद है वो मिला है आज, उसके सामने आनंद को लुटाओ और आनंद मिलेगा। आखिर जो देते वही तो मिलता है, सब जगह यही नियम है। मथुरा में जब से योग माया कहकर गई है कंस से कि तुम्हारा शत्रु तो ब्रज में स्थिर थे गया, तो उस समय से कंस बहुत चिंतित हुआ। सबको बुलाकर बैठक की, कोई कहे कि हम जाते नरसंहार कर देते हैं, युद्ध करके पूरा ब्रज को जलाकर समाप्त कर देते। कंस कहता ऐसे करेंगे तो जनता में आक्रोश आ जाएगा। तभी पूतना आई, पूतना कहने लगी भैया मैं ये काम करूंगी, मैं अपने सीने में अपने छाती में कालकूट विष लेकर को जाऊंगी और जाकर के दूध पिला करके, दूध के बहाने विष पिला दूंगी। और पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके, सुंदरी का रूप बना करके आई। जैसे प्रवेश किया है ब्रज में तो वहां गोपियां सब सज धज करके नंदालय की तरफ जा रही थी। नंदालयम सबलया ब्रजती विरेजु, लोगों ने देखा और सब स्त्रियों ने की लक्ष्मी स्वरूपा इतनी सुंदरी महिला कहां से आई है, हमारी ब्रज की तो नहीं मालूम पड़ रही है। कोई कहती हो सकता मथुरा से आई होगी, शहर की है, शहर की सुंदरी होती है। कोई कहती कि नहीं ये तो लगता है लक्ष्मी स्वरूपा है। एक सहेली कहती हो सकता है मेरा जो लाला है, हमारा कान्हा, वो तो नारायण ही है और नारायण से मिलने के लिए लक्ष्मी आई होगी, इसका मन वहां नहीं लग रहा होगा, चलो जाने दो। किसी ने उसको रोका नहीं, नंदालय चली गई और वहां कन्हैया को आशीर्वाद देने लगी। यशोदा मैया ने पूछा मैंने पहचाना नहीं, क्षमा करना। तो वो कहती है अरे बाबरी तुम्हारी आंखें तो बूढ़ी हो गई, कभी मथुरा गई? मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूं, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है, बस ये सुन के मैं सब काम को छोड़कर चली आई, थोड़ा जा लस्सी वस्सी बना के ले आ। यशोदा मैया गई, हाँ हाँ लाती हूँ, भीतर गई लस्सी बनाने। इतने में रोहिणी माता वहां थी, रोहिणी से कहा कि रोहिणी मेरी छाती में ऐसा दूध है जो पिएगा तो बलशाली बन जाएगा, अत्यंत शक्तिशाली, कहो तो पिला दो। बोले हाँ हाँ पिला दो। गोद में लिया है पूतना ने कन्हैया को, लेकिन कन्हैया ने उसकी तरफ आंख खोल कर नहीं देखा। दरअसल प्रभु को श्री रामा अवतार की याद आ गई, वहां भी एक सुंदरी आई थी, विदेशी महिला थी, वो भी भगवान को, भगवान के पास आई, सुंदरी बन कर आई। देखो सुंदरी बनना और सुंदरी होना में बहुत अंतर है, जैसे साधु बन जाना और साधु होना
बहुत अंतर है। साधु बनना तो बहुत आसान है, आजकल तो जगह जगह दुकानों में भी लाल लाल कपड़े पहनकर साधु बन करके बैठे हुए हैं। उसकी कोई कमी नहीं है, वेश बनाना तो वेश जैसा भी हो पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है, कोई कहे भिक्षु है कोई कहे कंगाल है पर वह गूदड़ी पहने हुए गूदड़ी का लाल है। गूदड़ी पहना है लेकिन गूदड़ी का लाल है, हमारा ख्याल कितना ऊंचा होना चाहिए। उसी तरह से बना लिया उसने, भगवान ने देखा कि ये सुंदरी है नहीं, सुंदरी बन के आई है, इसलिए भगवान को बनावटी चीज पसंद नहीं। बनावटी किसी को पसंद नहीं, आपको पसंद है क्या? क्योंकि आप तो डर जाएंगे पता चलेगा उसके बारे में कि भाई ये तो अंदर से वैसा है, उससे कितना डरेंगे आप। तो बनावटी भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए उसकी तरफ आंख खोल करके देखा भी नहीं, भगवान नहीं देखा। ऐसा लगा कि इसको देखेंगे तो हमारे सामने इसकी माया नहीं चलेगी, इसका असली रूप दिख जाएगा और फिर सब माताएं डर जाएगी, ये भी बात है। दूसरा ये भी भाव है कि श्रीरामा अवतार में भी हम पृथ्वी के भार को हरने के लिए आए, यहाँ भी वही करना है, लेकिन शुरुआत एक स्त्री से हो रहा है। वहाँ भी प्रारंभ में ताड़का का कल्याण किया और यहाँ पूतना, वो भी अविद्या और ये भी अविद्या। यानी भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों की अविद्या को ही पहले समाप्त करते हैं, अज्ञान का पर्दा हटाते हैं। इसलिए भगवान ने ये भी एक भाव, संतों के अपने अपने भाव होते हैं, सभी अच्छे भाव होते हैं। भगवान ने ये सोचा कि हम तो ब्रज में माखन खाने, मिश्री खाने, मलाई रबड़ी खाने आए, लेकिन ये क्या विष पीना पड़ेगा इसके छाती से। इसलिए महादेव को याद किया, आंख बंद करके भोलेनाथ तमे पधारो एमनो बीज तमे पी जाओ और मेरे लिए दूध छोड़ देना, मैं तो दूध पीऊंगा, और इसको माता का दर्जा भी तो देना है। और आखिरकार वो पिलाने लगे, भगवान ने पीना शुरू किया, ज्यादा हो गया, लेकिन भगवान ने बंद नहीं किया, तो वो बारंबार कहने लगी, सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषणी निष्पिड्यमाना अखिल जीव मर्षणी। भगवान ने उसको पयोधर को पकड़ लिया और पकड़ करके पीना शुरू कर दिया, तो वो छटपटाई, मुंच छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान का ये स्वभाव है, विवृत नेत्रे चरणो भुजो मुह प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदह। भगवान ने कहा, मौसी मैं पकड़ता जल्दी नहीं, अब पकड़ता हूं तो मेरी पकड़ जबरदस्त है, छोड़ता नहीं किसी को। जीव की पकड़ बहुत कमजोर है, आज इसको पकड़ा तो बदलने में देर नहीं लगती। एक संत थे, वो कहा करते थे, जब हम यहाँ हरिद्वार में झाड़ी में रहते थे तो एक संत झाड़ी में घूमने आया करते थे, तो वो हम सबसे कहते थे एक बार कि देखो साधु और गृहस्थ में कितना अंतर है। साधु को खुश करना बहुत आसान है लेकिन साधु को पटाना आसान नहीं है, वो ऐसे ही बोलते थे। कितना भी आप खुश करना बिल्कुल आसान, प्रेम से भोजन करा दो, एकाध लड्डू खिला दो,
ज्यादा और कर सकते हो थोड़ी सी दक्षिणा और दे दो, साधु खुश, जितना चाहे उतना आशीर्वाद ले लो, लेकिन पटाना चाहो तो पटा नहीं सकते। उसको कहो कि महाराज कपड़े बदल दो हमारा, आप भी संप्रदाय बदल दो, ये सब नहीं होने वाला। लेकिन गृहस्थों की बात करो तो गृहस्थों को पटाना बिल्कुल आसान है, तुरंत पलट जाएंगे तुरंत, लेकिन गृहस्थों को खुश करना असंभव है। क्यों? क्योंकि उसके पास आज ये समस्या, कल वो समस्या, कल वो समस्या, कल वो समस्या, एक समस्या हो तो समाधान किया जाए, या तो समस्या ही समस्या है। बड़ा आनंद आता था कह करके, ये आनंद आमोद प्रमोद है, ये तो रहस्य की बात है। तो पूतना भागी, आकाश में भागी, घूमने लगी, आखिरकार जब मथुरा की तरफ रुख किया किसी तरह से, तो भगवान ने उसके प्राण को भी पीना शुरू किया। विवृत नेत्र, उसके नेत्र बाहर निकल गए, इतना वो हुआ, आंखें बाहर लटक गई और पत्थर से टकराई और धरती पर गिरी, तो छह कोष के वृक्षों को भी समाप्त कर दिया। अविद्या के जो 60 कौशिक शरीर है, ये 6 कोष अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय और इसकी समष्टि। नंद राय गए थे मथुरा कंस को देने के लिए उसका वार्षिक कर, लौट करके आए तो ये दशा देखी। लाला कहा है, सबने पूतना की कहानी सुनाई तो नंद राय बड़े चकित रहे, और बाद में नंद राय ने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा लाला बच गया। और मैया ने गोमूत्रेन स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के 12 अंगों की रक्षा 12 नाम से, भगवान के 12 नाम से 12 अंगों की रक्षा किया है मैया यशोदा ने। पहले गौमूत्र छिड़क करके स्नान कराया, फिर पुच्छ है ना, गौ माता के पुच्छ से बच्चे को झाड़ा लगाया। कभी आपके भी लाला को नजर लग जाए किसी की, तो आप गौमूत्र से छिड़क करके अथवा गौपुच्छ से झाड़ा लगाना। ये भगवान के 12 नाम है, याद रखना। दशम स्कंद में 6 अध्याय का यहां श्लोक है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणानारायणोवतो। ऋषिकेश, हमारे लाल के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियाणि, ऋषिकाः इंद्रियाणि तासाम ईशा ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश भगवान है, इसलिए इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें। प्राणान, प्राण के स्वामी नारायण है। श्वेत दीप पतश्चित्तम, श्वेत दीप में रहने वाले जो प्रभु हैं, वे हमारे लाल के चित्त की चंचलता को स्थिर करें। मनोयोगेश्वरोवतो, मन की रक्षा योगेश्वर करे। प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धि, मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा प्रश्न गर्भ करे। आत्मानं भगवान परः, इनके आत्मा की रक्षा भगवान करे, परमात्मा करे। क्रीडन्तं पातु गोविंदः, हमारे खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे। शयानं पातु माधवः, सोते हुए लाल की रक्षा माधव करे। ब्रजंतम अभ्याद वैकुंठ,
दौड़ते हुए मेरे लाल की रक्षा वैकुंठाधिपति वैकुंठनाथ करे। आसीनम त्वाम श्रीहपति, बैठे हुए मेरे लाल की रक्षा श्रीपति करे, लक्ष्मीपति करे। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु, भोजन करते हुए मेरे लाल की रक्षा यज्ञपति करे। और सर्वग्रह भयंकर, सर्वग्रह सभी ग्रहों से ऊपर जो स्वामी है, जिनका अनुग्रह सब पर भारी है, ऐसे प्रभु डाकिनी या तु धान्यश्च कुष्मांडा येर्भुका ग्रह भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायक। ये सब भगवान के अलग अलग नाम है, भगवान ही विशिष्ट नायक हैं। भगवान आज बड़े खुश हुए, पता है क्यों? एक बड़े मजे की बात यह है कि भगवान आज बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि आज भगवान को लगा कि मुझसे भी बड़े मेरे नाम है, मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। क्यों? आज मेरी रक्षा मेरा नाम कर रहा है, इसीलिए भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा, देखो भगवान नाम की कितनी महिमा है। जो भगवान की रक्षा कर सकते हैं, हमारा तुम्हारा करे तो क्या आश्चर्य है। नाम की महिमा बहुत है। भगवान का नाम स्मरण करना तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। हमारा जो मंत्र है, हम मंत्र जप करते हैं, चमत्कार क्यों नहीं कर रहा? जो जितना संयम करता है उतना उसको फल मिल रहा है, पहली बात। झूठ बुलाए नहीं, खोट लेवाए नहीं, झूठ नहीं बोलना। यदि झूठ बोलते हैं तो भगवान नाम जपने का फल कैसे मिलेगा? और खोटा व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं करना। इतना ही नहीं, परने निंदाए नहीं हो, दूसरे की निंदा ना करें। भगवान नाम जपते हैं तो दूसरों की निंदा से बचे। यदि आप यही सब करते रहेंगे तो जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। माला ले लिया, जप रहे हैं, जप भी करते हैं, परंतु इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। झूठ नहीं बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की चर्चा करने के बजाय क्यों ना हम भगवान की चर्चा करें। यदि आप किसी की निंदा किए बगैर नहीं रह सकते, स्तुति किए बगैर नहीं रह सकते, तो अपने शरीर की निंदा करो। और स्तुति किए बगैर यदि नहीं रह सकते तो भगवान की स्तुति करिए। प्रशंसा के लायक भगवान है और निंदा के लायक अपना शरीर है। अपने शरीर की निंदा करिए, क्योंकि यह क्या निंदा करेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म वाला है, ये मृत्यु वाला है, मरण धर्मा भी है। जरा मतलब बुढ़ापा भी आएगा इसमें, व्याधि से ग्रस्त है, एक पर एक रोग, घुटनों का रोग पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं, दुख भी है, अनेक प्रकार के इसमें दोष भी है। तो जो इतना दोष से ग्रस्त है अपना शरीर, अपने शरीर की निंदा करना। और दूसरी बात जो कहा,
झूठू बोलाए नहीं, खोटू लेवाए नहीं, परना निंदाए नहीं। और